नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र असेंबली की। महाराष्ट्र असेंबली में आज वोट हुआ, बहुमत के लिए वोट हुआ, यानी कि फ्लोर टेस्ट हुआ एकनाथ शिंदे के पक्ष में। एकनाथ शिंदे ने बहुमत मेजोरिटी से सिद्ध भी कर लिया, सबका वोट पड़ा। कुछ लोग एबसेंट रहे, इसमें कोई शक नहीं है। अप्रॉक्स मैं कहूँ कि 16 लोग एबसेंट थे, ये ठीक है, लेकिन शिवसेना के दोनों ग्रुपों ने वोट डाला। अब उसके बाद एंटी डिफेक्शन किस पर लागू होगा, किस पर नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, ठीक है, देखा जाएगा। लेकिन एक घटना जो हुई वो ये हुआ कि आदित्य ठाकरे स्वभाव के अनुरूप आराम से गए, क्योंकि पुराने मुख्यमंत्री के बेटे थे, अपने आप को डिप्टी चीफ मिनिस्टर समझते थे और अपने आप को पूरे प्रदेश का संरक्षक मानते थे। माँ के पेट से भी निकले, थोड़ा समय उनको हुआ है, लेकिन जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा होते हैं उनको अक्सर ये गुमान हो जाता है कि वो शायद ऊपर वाले ने उनको इसलिए ही बनाया है। वो विधानसभा पहुँचे के अंदर क्या चल रहा था और आदित्य ठाकरे का क्या हुआ होगा, ये सब कुछ करते हैं। लेकिन राहुल नार्वेकर जो कि नए अध्यक्ष चुने गए, उन्होंने जिस समय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, अध्यक्ष के चुनाव के लिए विप जारी करनी थी। अब विप कौन जारी करेगा, सवाल ये है। विप जारी करने के लिए जो सुनील प्रभु ठाकरे ग्रुप ने अपॉइंट किए थे नए, वो करेंगे, या फिर जो पहले से विप प्रमुख थे वो करेंगे? तो विप तो इशू करने वाला जो भी रहेगा, वो सवाल ये पैदा होता है कि विप इशू करने वाले व्यक्ति को चुना किसने? चुनेगा तो लीडर ऑफ लेजिलेटिव पार्टी, और लीडर ऑफ लेजिलेटिव पार्टी किसको माना जाए? लीडर ऑफ लेजिलेटिव पार्टी अजय चौधरी को माना जाए, या फिर लीडर ऑफ लेजिलेटिव पार्टी जो सदन के अंदर है उसमें एकनाथ शिंदे को माना जाए? ये सब कुछ जो 10 दिन पहले शुरू हुआ, उस समय तक लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी शिवसेना, सदन के अंदर एकनाथ शिंदे थे। एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को लेकर अलग हुए और उसके बाद शिवसेना के बाद 14 या 15 रह गए। ये जो 14 विधायक शिवसेना के पास रह गए, उन 14 के की एक बैठक बुलाई उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे कौन? उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर तो हैं लेकिन शिवसेना के प्रमुख भी हैं, लेकिन चुने हुए विधायकों के नेता नहीं हैं और वो चुने हुए विधायक भी नहीं है, इसलिए उद्धव ठाकरे उस बैठक को कंडक्ट भी नहीं कर सकते और कानूनन उद्धव ठाकरे को इंटरवेंशन भी नहीं हो सकता। आपने ध्यान दिया होगा कि जिस समय लेजिलेटिव पार्टी का नेता चुना जाता है और वो नेता कोई नाम प्रपोज करता है मुख्यमंत्री के लिए, उस समय ये जो पार्टियाँ हैं इनके प्रमुख ऑब्जर्वर तो भेजती हैं, लेकिन वो ऑब्जर्वर केवल दूर से ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का मतलब होता है दूर से बैठकर देखना, वो अलग बात है कि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन लीगली ऑब्जर्वर शब्द इस्तेमाल इसलिए ही किया जाता है कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के, लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य नहीं हैं, और चूंकि आप सदस्य नहीं हैं इसलिए आपका कोई एक्टिव रोल नहीं हो सकता, आप केवल पर्यवेक्षक हो सकते हैं, यानी कि दूर से बैठकर देख सकते हैं। तो उद्धव ठाकरे पर्यवेक्षक तो हो सकते हैं शिवसेना के, शिवसेना रिविलियन ग्रुप के अध्यक्ष होने के नाते भी वो ऐसा कुछ कह सकते हैं, लेकिन वो MLA चूंकि है नहीं, वो तो MLC बने थे, इसलिए वो कोई ऐसा रोल प्ले नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में उन 14-15-16 विधायकों के आधार पर नया असेंबली का लीडर चुन लिया और नया प्रमुख असेंबली के लीडर ने चुन लिया। सवाल ये पैदा होता है कि जो संविधान है, जो संविधान से मतलब है जो शिवसेना का संविधान था, उस शिवसेना के संविधान के अनुसार भी क्या वो चुन सकते थे? तो शिवसेना के संविधान के अनुसार कम से कम 50% वोट, 50% से ऊपर वोट जिसके पक्ष में जाएंगे, अगर लीडर ऑफ पोजीशन, लीडर ऑफ असेंबली चुना जाएगा तो 50% वोट जिसके पक्ष में जाएंगे वो चुना जाएगा। अब कम से कम ऐसा उसमें जो मैंने कुछ पढ़ा, मुझे पता नहीं उनके संविधान में क्या लिखा कि, लेकिन ऐसा जो मीडिया रिपोर्टें आई उसमें ये कहा गया कि 32 विधायकों से कम, मतलब 50% विधायकों से कम अगर बैठक भी की जाएगी तो वो कोरम पूरा नहीं होता, यानी कि वो बैठक कंप्लीट नहीं होती। तो जिसके 54 विधायक हों, 54 में से कम 27 विधायक, कहते तो वो 55 हैं, 54 में से 27 विधायक या 28 विधायक, 55 अगर हम कहते हैं तो 28 या 29 विधायक,
उतने विधायक तो होने ही चाहिए थे। अगर उतने विधायक नहीं होते तो वो बैठक ही अवैधानिक मानी जाती है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने वो बैठक कर ली और उद्धव ठाकरे ने वो बैठक करके और नया वो चुन लिया। तो अब सवाल पैदा होता है कि उसकी जो नया विप प्रमुख बना सुनील प्रभु की विप मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? क्या वो विप प्रमुख हो सकते हैं नहीं हो सकता है? या लेजेंड पार्टी का लीडर ऑफ हाउस कौन होगा? क्या जब बैठक ही वो अधूरी है, बैठक ही वो नहीं पूरी है, तो क्या वो बन सकते हैं? इसलिए जब राहुल नार्वेकर अध्यक्ष बने तो उन्होंने ये जो पुराना विप का चक्कर नया वाला शुरू हुआ, उद्धव ठाकरे ने जो डिसीजन लिया, उससे पहले जो सदन के अंदर विप प्रमुख थे उन्हीं को विप प्रमुख माना और जो सदन के अंदर लीडर थे उन्हीं को लीडर माना, चूंकि उन लीडर्स की जो बैठक हुई उसमें 2/3 से ज़्यादा उनके पास विधायक हैं और मिनिमम का आंकड़ा भी वो पार करते हैं, जो 32-30 का कुछ बताया गया वो भी पूरा करते थे, यानी कि वो जो बैठक हुई वो बैठक लीगल मानी गई, वैधानिक मानी गई। और इस बैठक के बाद जो विप जारी हुई है, जो लोग भी उस विप के अनुरूप वोट नहीं डाला, देखिए विप वाला मामला बहुमत सिद्ध करते समय लागू नहीं होता, लेकिन विप का मामला जिस समय अध्यक्ष का चुनाव होता है उस समय लागू होता है। तो बहुमत वाला 164 विधायकों से सरकार बन गई, 164 विधायकों ने बहुमत सिद्ध कर दिया। यहाँ पर जो अगर विरोध में भी चले गए हैं, वो विरोध में तो चले ही गए हैं, 14 लोग विरोध में गए हैं, उद्धव ठाकरे तो वोट भी नहीं डाल पाए। तो इतने लोग जो विरोध में गए हैं उन लोगों पर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं हो सकता, चाहे पुराने वाले विप प्रमुख की विप उस पर हो या ना हो, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वो हैं कि बहुमत सिद्ध करने पर फ्लोर टेस्ट में कोई विप नहीं है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में तो विप है। तो अध्यक्ष के चुनाव में जिन 16 लोगों ने वोट विरोध में डाला या नहीं डाला, उन सबके ऊपर विप का उल्लंघन करना या एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है। इसीलिए जो पुराने विप प्रमुख हैं उन्होंने पिटीशन दे दी विधानसभा अध्यक्ष को और कहा इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। खैर वो जब डिसीजन होगा तो होगा, उसका नोटिस होगा तो होगा, जो भी होना है वो होगा, लेकिन हाँ उन्होंने पिटीशन लगा दी है। नया विधानसभा अध्यक्ष उसको समय लेकर अपने हिसाब से तय करेगा, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, अब जो बड़ी आई, जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि पहले तो विधानसभा के अंदर लेजिस्लेटिव पार्टी का जो हॉल था उस हॉल पर एकनाथ शिंदे ने अपना ताला डाल दिया। वो उद्धव ठाकरे ग्रुप को नहीं मानते, वो ही असली शिवसेना अपने आप को मानते हैं। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अब शिवसेना कौन, उद्धव ठाकरे की या इनकी? मैं बहुत बार बारंबार इस बात को कहता आया हूँ कि आप पुराने इलस्ट्रेशन उठाकर देखेंगे तो उन इलस्ट्रेशंस में ये बिल्कुल जग जाहिर है कि जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य ज़्यादा हैं, जिसके पास लोकसभा के सदस्य ज़्यादा हैं, जिसके पास राज्यसभा में सदस्य ज़्यादा हैं, जिसके पास विधान परिषद में सदस्य ज़्यादा, यानी कि चुने हुए लोग जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है वो ज़्यादा हैं, उसकी ही पार्टी मानी जाती है, उसको ही सिंबल माना जाता है। सिंबल कोड 1968 पर सबसे पहला जो बड़ा केस आया था वो आपको याद होगा, एन संजीवा रेड्डी को कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया था राष्ट्रपति का, उसमें इंदिरा गांधी शामिल थी, उसमें जगजीवन राम शामिल थे, उसमें फखरुद्दीन अली अहमद शामिल थे। आप समझो फखरुद्दीन अली अहमद बैठे होंगे तो क्या कर रहे होंगे। इन लोगों ने एन संजीवा रेड्डी को पहले चुन लिया कि भाई इनका कैंडिडेचर होगा, उनका पर्चा भरवा दिया गया। इसके बाद हुआ क्या कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड था, चूंकि उसमें फ्रैक्शन हो गया राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, फ्रैक्शन हो गया, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो अपोजिशन के पास था, अपोजिट इंदिरा गांधी से अपोजिट, जगजीवन राम से अपोजिट ग्रुप, उसने पार्लियामेंट्री बोर्ड से इनका संजीवा रेड्डी का नाम प्रपोज करवा लिया। अब आप सोचिए कि प्राइम मिनिस्टर बैठी हुई है लेकिन प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष नहीं है पार्टी की, पहली बात, अध्यक्ष लेकिन उनके साथ है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो बैठा हुआ है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके, उनसे ज्यादा डिफेक्शन अपोजिट ग्रुप के पास पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य थे और उस पार्लियामेंट्री बोर्ड ने संजीवा रेड्डी का नाम प्रपोज कर लिया। जैसे ही उस पार्लियामेंट्री ग्रुप अपोजिट ग्रुप ने संजीवा रेड्डी का नाम प्रपोज किया, वैसे ही इंदिरा गांधी ग्रुप ने उसका विरोध कर दिया, यानी कि अब ये वी वी गिरी को वोट मांगने लगे।
फ्रैक्शन आया, फ्रैक्शन आने पर चुनाव आयोग के पास केस गया, चुनाव आयोग के पास केस जाने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच, जस्टिस सैलत, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस खन्ना, ये तो बड़े महान जजेस थे ही, और इंदिरा गांधी के अपोजिशन में इनके जजमेंट भी आपको याद होगा, केशवानंद भारती जो निगेटिव आया था वो इन लोगों ने ही किया था। इनकी बेंच में ये केस पड़ गया। इस बेंच ने एक जजमेंट दिया, हालांकि वो पूरा मामला इंदिरा गांधी के पक्ष में गया, लेकिन इंदिरा गांधी जो माइनॉरिटी में थी पार्टी में, यानी कि पार्टी का स्प्लिट हुआ तो पार्लियामेंट्री बोर्ड सदस्य ज़्यादा थे अपोजिट पार्टी के पास, और जगजीवन राम के पास कम थे जो इंदिरा गांधी के साथ थे, और इसके बावजूद इंदिरा गांधी ग्रुप को ही असली कांग्रेस माना गया। तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस जे और इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ, ओरिजिनल उन्होंने अपने आप को कहा था, और जे जगजीवन राम के नाम से कहा था। किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वो इंदिरा गांधी के पक्ष में माना था वो समझ लीजिए। मैंने कहा पार्टी पूरी दूसरी तरफ जा रही थी, पार्टी के एग्जीक्यूटिव, स्टेट प्रेसिडेंट, ये मतलब बड़ा कन्फ्लिक्ट था उसमें, बड़ा फ्रिक्शन था। उसके बावजूद चूंकि राज्यों में सरकारें जो बनी बैठी थी, राज्यों के विधानसभा के सदस्य थे, राज्यों के विधान परिषद के सदस्य थे, और राज्यसभा में जो सदस्य थे, या जिनकी बात मैं कहूँ लोकसभा में जो सदस्य थे, तो इंदिरा गांधी के पक्ष में ज़्यादा थे। इंदिरा गांधी के उस समय मेरे ख्याल से 287 सदस्य टोटल हुआ करते थे, उन 287 में से 50 सदस्य अपोजिट ग्रुप में चले गए थे 1971 के शुरू में, और 1971 के बाद में ये दोनों चीज़ें चली। सदस्य चूंकि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद जो रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनली सदस्य होते हैं वो इंदिरा गांधी के पक्ष में थे, इसलिए इंदिरा गांधी जगजीवन राम ग्रुप को ही माना गया था। अब आप, ये बहुत बड़ा जजमेंट था। इसके बाद एक अभी रिसेंट केस आया चिराग पासवान का। चिराग पासवान के पिता ने पार्टी बनाई थी। चिराग पासवान के पिता, चिराग पासवान नंबर टू हुआ करते थे। जिस समय रामविलास पासवान जिंदा थे उस समय भी चिराग पासवान की ही चलती थी, लेकिन उसी समय रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद चिराग पासवान ने जब उस पर चढ़ाई करी तो उनके चचा यानी कि रामविलास पासवान के भाई, उन्होंने वो MP चुने हुए थे, उनका इनका विद्रोह हो गया। अब यहाँ पर सवाल खड़ा हुआ कि असली पार्टी कौन, लोक जनशक्ति पार्टी असली कौन। तो लोक जनशक्ति पार्टी असली के लिए वही चुनाव आयोग आया गया। चुनाव आयोग ने चिराग पासवान के पक्ष में ज्यादातर एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, यानी कि जो पार्टी के पदेन अधिकारी हैं वो ज्यादातर चिराग पासवान के पक्ष में थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके चचा के पक्ष में लेजिस्लेटर्स थे। लेजिस्लेटर्स से मतलब है कि लोकसभा में जो लोग चुनकर आए थे वो थे, राज्यसभा में जो उनकी सदस्य थे वो थे, विधानसभा में जो सदस्य थे वो थे, वो उनके पक्ष में हो गए। तो फिर डिसीजन किसके पक्ष में हुआ, उस समय चुनाव वो चिन्ह सीज कर दिया गया था, बाद में पक्ष उनका ही आया जिसके सदस्य ज़्यादा थे। कुल मिलाकर चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है और वो चुनकर आए हुए जनता के द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं, जनता का फेथ किसके साथ, तो जो लोग भी ये कहते हैं कि भाई हमारे पक्ष में जनता, तो कैसे पता लगे जनता हमारे पक्ष में किसको असली मानती। तो एक एक विधायक के पीछे संभव है कि 50,000-1,00,000 वोट हो, एक एक सांसद के पीछे हो सकता है 5-5 लाख वोट हो, यानी कि 5 लाख वोट लेकर सांसद बना, शिवसेना के नाम से बना। वो सांसद जिस समय ये कहता है कि मैं असली शिवसेना हूँ और मैं एकनाथ शिंदे के पक्ष में जाता हूँ, वो विधायक जो 1 लाख वोट लेकर आया था वो ये कहता है कि मैं एकनाथ शिंदे का हूँ, तो आप सोचिए कि कितने सदस्य उसके पास होंगे। अगर 40 हैं, 1 लाख का आंकड़ा मान लें, तो 40 लाख वोट तो ऐसे हो गए। और अगर हम ये माने कि 15 विधायक या 15 सदस्य MP या 10 MP भी उनके साथ आ जाते हैं, तो 10 हर एक MP के पीछे लगभग 4-5 लाख का वोट होता है, 4 लाख मान के चलिए, तो 40 लाख ये हो जाते हैं, यानी कि लगभग 1 करोड़ वोट, 1 करोड़ लोगों का सपोर्ट इनके पीछे रहता है। दूसरी तरफ जो बॉडी होती है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, उसके पास केवल एग्जीक्यूटिव अगर हो सकता है 5,000 लोग हों, उनमें से 4,000 का वोट हो, तो जिसके पास 8 लाख का 1 करोड़ का वोट हो, और इनके पास दूसरी ग्रुप के पास जो पार्टी, लेजिस्लेटिव पार्टी के सदस्य, ट्रस्टीज, ट्रस्ट के मेंबर्स या एग्जीक्यूटिव बॉडी ये हो,
तो आप निर्णय कर लीजिए कि हम किसको माने। वो चुनाव आयोग के द्वारा कराया गया चुनाव है, जहां से शिवसेना के नाम से चुनकर आए गए लोग हैं, और ये चुनाव आयोग के पास इन्होंने अपने घर में किया था और चुनाव आयोग के पास रिपोर्ट करी थी और चुनाव आयोग को बता दिया था कि भाई 5,000 लोगों का हमने एक जलसा किया, 5,500, 400, 300 जो भी इतने लोगों का हमने ये कार्यकारिणी बिठाई, इस कार्यकारिणी ने इतने एग्जीक्यूटिव मेंबर चुने, इन एग्जीक्यूटिव ने ये अध्यक्ष चुन लिया और ये अध्यक्ष ने ये निर्णय लिए, तो उस अध्यक्ष का निर्णय माना जाए या फिर जो चुने हुए लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में सदस्य आते हैं उन सदस्यों को और वो उस सिंबल से जीत कर आते हैं, वो सिंबल उनके पक्ष में दिया जाए। ये निर्णय आप भी आसानी से कर सकते हैं। ये सिंपल टेक्नोलॉजी है, ये सिंपल बात है जिसके आधार पर चुनाव आयोग अभी तक निर्णय करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये अब हो क्या रहा है। और अब जहां तक 16 MLAs के एंटी डिफेक्शन की बात, जो पुराने उपसभापति कर रहे थे, अगर उनको डिस्क्वालीफाई घोषित भी कर दिया जाए 16 को, तो भी सरकार तो 144 में ही बननी है। वो 16 अगर चले जाएं, तो जब 16 चले जाते हैं तो 187 में से 16 चले जाएंगे तो वो 287 टोटल मेंबर हैं, 287 में से 16 एंटी डिफेक्शन में चले जाएंगे, तो आप ये बिल्कुल मान कर चलिए कि अब 261 बचे और 261 का 50% यानी कि 132 चाहिए, उनके पास 144 हैं। इसलिए अगर जो 11 तारीख को केस होने वाला है उसमें अगर एंटी डिफेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ये भी डिसाइड कर देता है कि इन 16 को एंटी डिफेक्शन माना जाए और अब मेजोरिटी दोबारा सिद्ध की जाए, तो भी मेजोरिटी सर एकनाथ शिंदे के पास है। लेकिन हाँ, अगर उनको एंटी डिफेक्शन माना जाएगा तो फिर ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि शिवसेना किसकी है, क्योंकि जो विप प्रमुख है सुनील प्रमुख की विप पर आया था। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी टेक्निकल फंस रहा है कि किसी विधानसभा के अंदर की कार्रवाई के लिए कोई विप जारी नहीं हुई थी, बाहर बैठक के लिए कोई विप होती नहीं है, तो ये बैठक करने के लिए जो जारी किया गया था उसके आधार पर एंटी डिफेक्शन लॉ विधानसभा का अध्यक्ष कैसे, उपाध्यक्ष कैसे कर देगा, तो वो भी डिप्टी स्पीकर का चक्कर फंस जाएगा। ये टेक्निकल पॉइंट है, मुझे लगता है मोटा मोटा जो अभी तक का मैं समझ पा रहा हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं कानूनी आधार पर बता रहा हूँ कि जो मैं समझ पाया कि अब एकनाथ शिंदे ही शिवसेना है और एकनाथ शिंदे का ग्रुप ही असली शिवसेना माना जाएगा और उसको ही ये सिंबल मिलने वाला है, BMC के चुनाव में वो ही प्रेजेंटेशन करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि राहुल नार्वेकर को क्यों आखिर ये चुनकर लाए हैं, उसके पीछे बहुत सारी बातें मैंने कल बताई थी, अगर उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगला जो टारगेट है वो BMC का चुनाव है। सभा अध्यक्ष ने वोट डालने से नहीं रोका था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।